ऑल ऑफ यू, तो मैं आपको आंकिक प्रश्न करवा रहा हूँ। उसके अंदर मैं आपको तीन प्रश्न करवा चुका हूँ, पहला, दूसरा और तीसरा। इसमें कुल टोटल चार ही आंकिक प्रश्न हैं। मैंने आपको तीन प्रश्न करवा दिए हैं, अब चौथा प्रश्न मैं करवा रहा हूँ, ठीक है? तो आप पहले वो तीन प्रश्न देखिए अच्छे से, उनको सोल्व कीजिए, समझिए। कोई भी दिक्कत हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है? मैं यहाँ आपके लिए ही मेहनत कर रहा हूँ, ये तो मेरे को मेरा भी हक बनता है, चाहे आप कुछ भी बोलिए। वीडियो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना चाहिए, ठीक है? कोई भी दिक्कत हो आपको तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। जब भी मैं फ्री रहूंगा मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है? अब चौथा प्रश्न हो रहा है, कोपर, कोपर फलक। कोपर जो हमारा कोपर धातु है वो क्या बनाती है? फलक केंद्रित घन संकुलन, मतलब कि एफसीसी बनाता है। क्या बनाता है? एफसीसी। एफसीसी में कहाँ होते हैं? कोनों पर होते हैं और होते हैं, ठीक है? और इसमें जेड की वैल्यू कितनी होती है? चार होती है, ठीक है? क्या होता है? क्रिस्टलीकृत होता है, ठीक है? इस किनारे की लंबाई, किनारे की लंबाई क्या है? ए। वैल्यू क्या दे रखी है? 3.6×10⁻¹⁸ दे रखी है, ठीक है? ये किस में दे रखी है? सेंटीमीटर में दे रखी है आपको। किस में वैल्यू दे रखी है? सेंटीमीटर। तो आप इसको सेंटीमीटर में रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, मैं भी आपको बता दूंगा, ठीक है? बताइए कि इसका घनत्व हमको क्या निकालना है? प्राप्त घनत्व, मतलब कि डी की वैल्यू हमको निकालनी है, ठीक है? ये क्या दे रखा है? घनत्व जो हम माप करते हैं, जब हम इसका कैलकुलेट करते हैं मशीन से या किससे भी, हम फॉर्मूला लगा के प्रैक्टिकल करते हैं, तो इसका जो घनत्व है वो कितना प्राप्त हुआ? 8.29 ग्राम सेंटीमीटर पर क्यूब। 8.29 ग्राम सेंटीमीटर पर क्यूब। मैं इसको सही लिख देता हूँ, 8.29 सेंटीमीटर ग्राम सेंटीमीटर पर क्यूब, ठीक है? ये हमको क्या है प्राप्त, उससे क्या ये मैच करता है या फिर कुछ और ही मान प्राप्त होता है? हमको डेंसिटी निकालनी है कुल मिला के। आपको ये क्वेश्चन, ये लास्ट की लाइन है, ये ऐसे ही आपको उल्टा आइडिया दे दिया है कि आंसर क्या प्राप्त होगा। अगर सेम प्राप्त होता है तो आपको लिखना पड़ेगा कि ये बिल्कुल उससे मेल खाता है, वो समान मान प्राप्त हुआ। अगर आसपास है तो आप लिखोगे कि भाई निकट प्राप्त हुआ है। अगर ज़्यादा ही दूर है तो ये बहुत अलग मान प्राप्त हुआ है, आपको ऐसे लिखना पड़ेगा उसमें, क्वेश्चन यही बोल रहा है, ठीक है? एफसीसी में है, जेड की वैल्यू चार हो गई, एफसीसी है तो ए की वैल्यू दे ही रखी है, जो कोर की लंबाई है। डेंसिटी हमको निकालनी है। डी बराबर क्या होता है? जेड एम अपॉन एन ए क्यू। डी की वैल्यू क्या दे रखी है? नहीं दे रखी, ठीक है? डी बराबर डी। जेड की वैल्यू क्या है? चार। अब इसका जो कॉपर है, कॉपर आपको उसका क्या दे दे रखा? मास नहीं दे रखा। अब कॉपर का मास कितना होता है आपको सीधा सीधा ही आइडिया होगा, कॉपर कितने नंबर पे आता है? 29 नंबर पे। तो उसका जो डबल होता है उसके हिसाब से आसपास मान होता है, मतलब कि जो कॉपर है उसका आपको मास नहीं दे रखा, तो आपके, जिसलिए मैं बोलता हूँ आपको वो टेबल पूरी याद होनी चाहिए। आया समझ में आपको? जब मैं आऊँगा तब उसका तरीका भी बता दूंगा कैसे कैसे याद करना है, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा पी ब्लॉक एस ब्लॉक, उसके अंदर आपको पूरा आइडिया भी लग जाएगा कि कैसे याद करना होता है। बाकी आपको अभी के लिए तो है कि आपको याद ही करना पड़ेगा। एटॉमिक नंबर है उसका, जस्ट डबल कीजिए, आपको लगभग लगभग वो उसके पास में होता है। कॉपर कितने नंबर पर आता है? 29 नंबर पर, मतलब इसकी परमाणु संख्या तो क्या हो गई? 29। और जो इसकी एटॉमिक यूनिट होगी, मतलब कि परमाणु द्रव्यमान, वो कितना होता है? 63.5। एटॉमिक यूनिट नहीं, ये क्या है? परमाणु द्रव्यमान। परमाणु द्रव्यमान कितना हो गया? 63.5, ठीक है? ये किस में होता है? ग्राम में। आप इसको किस में लिख लीजिए? ग्राम में लिख लीजिए, किस में भी लिख लीजिए, ये ग्राम मोल पर हो जाएगा वो क्यूब में, ठीक है? एम की वैल्यू कितनी हो गई? 63.5। एन ए की वैल्यू कितनी है? 6.023×10³। और ए क्यूब की वैल्यू कितनी है? कोर की लंबाई कितनी है? 3.6×10⁻¹⁸, ठीक है? जब आप इसको सोल्व करोगे पूरा कट कुटा के, पूरा जब इसको हल करोगे, ये इसका क्यूब है, ठीक है? जब आप इसको हल करोगे तो आपकी वैल्यू कितनी आएगी? 8.96। और जब आप यूनिट है, आपको ये बताया पहले, मैं आपको क्वेश्चन में क्या बताया था कि आप केजी में रख लेते हैं, लेकिन यहाँ देखो जो डेंसिटी है वो भी ग्राम में दे रखी है। आप इसमें घनत्व देखिए तो आपको इसमें ग्राम में रखना है, और यहाँ भी क्या है? ग्राम में दे रखा है। ये भी हमारा किसमें? ग्राम में प्राप्त हुआ, तो आपको वो दिक्कत नहीं है। उसके अलावा क्या है? सेंटीमीटर। आपको ये देखो, ये सेंटीमीटर में और ये भी सेंटीमीटर में है, तो आपको इसको भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। ये क्या प्राप्त हो हमारा? 8.96 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। हमारी डी की वैल्यू कितनी है? और जो हमको क्वेश्चन में दे रखा है वो कितनी है? 8.96। तो हमारा जो मान क्या हुआ? निकट प्राप्त होता है।
जो हमारा घनत्व का मान है वो क्या है, निकट प्राप्त होता है। आपको आया समझ में? Cu, Cu का जो परमाणु संख्या है वो कितनी है, 29। तो इसका परमाणु द्रव्यमान कितना हो गया, 63.5। जेड की वैल्यू इसके अंदर 4 है ही, और की लंबाई आपको दे रखी है सेंटीमीटर में। डेंसिटी आपको कैलकुलेट करनी है और बताना है कि ये इसके क्या पास में है या बराबर है, ये क्या है। जब आप इसको हल करते हो तो 8.96 प्राप्त होता है। ठीक है, तो अगर आपको ये क्वेश्चन, आपके चारों क्वेश्चन मैंने आंकिक प्रश्न करा दिए हैं, आप इनको पहले, आप वो संकुलन दक्षता और जो घनत्व निकालने का हुआ है वो पहले आप वीडियो देखिए अच्छे से, फिर आप इन क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। मैंने आप